क्या दिन था भाई। अभी तो लगता है ख्वाब था लेकिन वाकई वो हकीकत थी। सही है गाइस। और भाई ये इतना आसान नहीं होता वहाँ से चीज़ें मिलना। लोगों को लगता है मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, मुफ्त में नहीं मिलती। सब पता चल गया ना कि भाई पास कहाँ से मिले थे हमें, ठीक है, और हम लोगों ने कितने पैसे देके क्या किस तरह से हमें चीज़ें मिली। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है 5th of April, जुम्मे का दिन है और आज जुम्मतुल विदा है। सही है। तो गाइस सबसे पहले आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है भाई। और इन अदर न्यूज़, आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इन अ सेंस के भाई आज जो है, आज मेरी गाड़ी जो कि हमें जीतो पाकिस्तान से मिली थी, आज उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, ठीक है भाई। आज पूरा 1 साल हो गया है हमें गाड़ी मिले हुए, ठीक है भाई। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं, ठीक है, और आपके साथ अपने जीतो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे इसके बारे में, ठीक है, कि भाई वहाँ पे पास कैसे मिलते हैं, प्राइजेस कैसे मिलते हैं, आप वहाँ कैसे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज के व्लॉग में वो पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सही है। इन अदर न्यूज़, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि जो मैंने ये जीतो पाकिस्तान का ब्लॉग लगाया था उसके बाद से मेरे जो है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े थे गाइस। सही है। सो ये वाला दिन इस वजह से भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सही है। दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये वाला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैंने कहा आज के इस स्पेशल मोमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सही है गाइस। तो चले फिर आए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ज़रा बैठ के डिटेल में आप लोगों से बात करते हैं। सही। हाय, क्या दिन था भाई। अभी तो लगता है ख्वाब था लेकिन वाकई वो हकीकत थी। सही है गाइस। आज पूरा 1 साल हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 1 साल गुजर गया। सही है। आज से पूरे 1 साल पहले मैं ऑफिस से आई थी इसी टाइम पे, ठीक है, और आके बस फटाफट चेंज किया और रेडी हुए हैं शो पे जाने के लिए। सही है गाइस। अच्छा, अब शो में जाने का हमें मौका कैसे मिला? सही है। सबसे पहला सवाल तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे पूछा वो ये, ठीक है। अच्छा भाई, हमें पासिस कैसे मिले? पासिस बेसिकली हमें मिले थे, बाजी के बॉस हैं उनको आए थे पासिस, ठीक है, और उन्होंने बाजी को दे दिए क्योंकि तो उनकी फैमिली में कोई जाने नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बाजी को कहा कि भाई आप ले लो, शायद आपकी फैमिली में कोई जाना चाहे। तो वो बाजी को पता था कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ वहाँ पर जाने की, और मैं एक बहुत लंबे अरसे से जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी लेकिन पासिस का कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ था। तो बाजी को मिले तो बाजी ने कहा भाई वाई नॉट, ठीक है। और फिर इस तरह से हम गए शो में गाइस, ठीक है, और वहाँ जाके जो स्टार्टिंग हुई है फिर ही मज़ा आया। सही है भाई, एनर्जी थी शो की एक, और एक अलग ही वाइब थी। और सबसे ज़्यादा तो ये था कि भाई फहद मुस्तफ़ा को इन पर्सन देखने का मौका मिला था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। शायद मैं इतना बहुत सारी लड़कियों को शौक होगा, ठीक है, एक इसी तरह से आपकी बहन को भी शौक था फहद मुस्तफ़ा को देखने का। सही है। और क्यों शौक था ये मुझे नहीं पता लेकिन बस शौक था। सही है। तो गाइस शौक वो मेरा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखें कि जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा और इन पर्सन देखा, मैं इतनी नर्वस हो गई कि मैंने सेल्फी तक नहीं ली। सही है। अच्छा भाई, शो में खैर हम लोग गए, वहाँ पे शो स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाने से पहले पता है हमें से बोलते रही थी कि मम्मी मुझे तो बाइक अलग करें, मुझे तो बाइक बिल्कुल भी ना मिले क्योंकि मुझे तो बाइक चाहिए ही नहीं। सही है। क्योंकि मैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फहद मुस्तफ़ा को देखने की नीयत से जा रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि हमें कोई प्राइज़ मिलेगा, मैंने नहीं सोचा था कि हमें जो है वो इतनी बड़ी हमारी लॉटरी टाइप कोई चीज़ निकल आएगी। सही है। तो खैर अल्लाह की करनी है, आप देखें कि पहला सवाल और पहली बाइक ही आपकी बहन को मिली, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ शॉकिंग सा था। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आता कि यार मुझे बाइक मिल गई और मैं बहुत ये आई वॉन्ट द बाइक। खैर बाइक मिली, उसके बाद जो है वो बाइक पे झूले लिए क्या सीन था यार, आज तक याद है मुझे बिल्कुल, एक एक लम्हा मुझे ना शौक का याद है, वो शायद मुझे कभी भूलेगा नहीं। आज पूरा 1 साल हो गया लेकिन अभी भी लगता है जैसे कल की बात। खैर बाइक मिल गई आपकी बहन को, उसके बाद फिर जी शो कंटिन्यू रहा। और देन हमारा जो है वो सोने वाले में हमारा नाम निकल आया, जो कि हमारे लिए एक और शॉकिंग न्यूज़, ठीक है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आता, मैंने कहा अरे पापा का नाम निकल आया।
खैर जी शो स्टार्ट हुआ और खैर मैं शो वगैरह तो देखती थी, इससे मुझे बहुत सारा आइडिया भी था, लेकिन खैर मैं ये क्रेडिट अपने पर नहीं लूँगी क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें इंसान की किस्मत में लिखी होती हैं। जब अच्छी लिखी होती है ना तो इंसान कहते हैं यार देखो मैंने ये किया मेरे कितना अच्छा हो गया, और जब कुछ बुरा लिखा होता है तो हम किस्मत में डाल देते हैं, ठीक है। तो खैर मैं अपने ऊपर क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले रही, वो अल्लाह ताला ने हमें अता करना था, वो हमें मिलना था, तो बस वो जब चीज़ें जब अल्लाह ताला की तरह से हाँ हो जाती तो फिर वो आपको पता है चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई, ठीक है। है अच्छा भाई, डील बॉक्स का जो है वो हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई हम सिर्फ गोल्ड बॉक्स लेंगे, डेट्स इट, और आई वाज प्रीटी मच श्योर कि हमारे बॉक्स में ही 7 तोला है, और जो कि था भी, ठीक है गाइस। तो खैर लेकिन आखिर में जो है वो इतना फादमी से हमें फोर्स करके यार ले लें ले लें ले लें। तो खैर मेरे पापा से आखिर में बिल्कुल मेरे पापा से पूछा कि भाई पापा बताएं क्या करें, पापा ने कहा बेटा ऐसे करते हैं डील बॉक्स है। मैंने कहा ओके एज यू विश, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं पर्सनली नहीं चाहती कि हम लें, लेकिन खैर वही बात दोबारा से कहूँगी कि वो हमारे नसीब में थी वो चीज़, तो वो हमें मिलनी थी, और खैर वो गाड़ी हमें मिली एंड आई वाज लाइक ब्लोन अप यार, वाह गाड़ी मिल गई। मुझे ऑल्टो बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये जब ऑल्टो गाड़ी आई ना तो मैंने बाजू को कहा बाजी हमें अपनी वैगन आर भेज देते हैं और हम ऑल्टो ले लेते हैं, बाजी मैं पागल पागल हो गई हो क्या। मुझे इतनी पसंद थी ऑल्टो, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन से वक्त की दुआ सुन ली और जो है वो अल्लाह ताला ने हमें ऑल्टो ही अता कर दी, ठीक है। खैर इस गाड़ी को तो अम्मी हमेशा से कहती है कि ये ना अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए, और तोहफा है भी गाइस, देखा जाए तो ये वाकई अल्लाह ताला का तोहफा है, वरना हमारे ज़िंदगी में कभी कोई लॉटरी नहीं निकली, सही है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर कि हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह से जितना हम शुक्र अदा करें करें, हम आज तक बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और बिल्कुल भी मतलब अल्लाह ना करे कि हमारे पे कोई गुरूर आए कोई ऐसी चीज़ आए, मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और आज तक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब आ जाते हैं थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चंस पे। भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि आप लोगों को गाड़ी मिल गई, आप लोगों की गाड़ी मिल गई, हालांकि मैंने गाड़ी मिलने का व्लॉग भी बनाया था, सही है, उसको भी मैंने दिखाया था कि हमें गाड़ी मिल गई है, लेकिन आज तक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अभी वो गाड़ी कहाँ है। वो गाड़ी भाई हमारे पास ही है और हम लोग अक्सर जा भी रहे होते हैं गाड़ी में, तो खैर शायद वो न्यू होंगे जिनको नहीं इतना आइडिया होगा, तो भाई गाड़ी आप लोगों में तो बहुत सारे लोगों को पता ही है कि गाड़ी हमें मिल चुकी है और हम गाड़ी में जा रहे होते हैं। अच्छा भाई प्राइजेस का क्या क्राइटेरिया होता है, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी कि प्राइजेस का क्या सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा भाई आप जो भी गिफ्ट जीतते हैं वो आपको सेम डे पे नहीं देते, सही है, वो आपसे ले लेते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई हम आपको जो है वो नेक्स्ट डे मतलब जितने भी दिनों में कॉल करेंगे आपका NIC नंबर नोट करते हैं, आपकी NIC कॉपी ले लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी वो आपको कॉल करते हैं। अच्छा जिसको जो चीज़ मिली होती है ना वो उसी पर कॉल करते हैं और उसी बंदे को वहाँ पे जाना होता है उनके ऑफिस में रिसीविंग के लिए, ठीक है, वो किसी और को नहीं देते। जैसे मैंने बाइक जीती थी तो उन्होंने मुझे कॉल की थी, मैं पापा के साथ गई थी क्योंकि मैं वो मेरे पापा को नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा था जिन्होंने जीती है हमें जिनके नाम पे इशू की है वो ही आएंगे, तो खैर मैं गई थी, मैं साइनिंग की थी, उसके बाद हमें जो है वो बाइक मिली थी और गाड़ी जो है वो ऑब्वियसली पापा के नाम पे थी तो वो तो कोई मसला नहीं था। तो बताने का मकसद ये कि जो जीतेगा उसको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसके बाद ये कि जो गाड़ी है जो बाइक है उसका सेल टैक्स आपको देना होता है, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% देना होता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% देना होता है, तो हम फाइलर थे तो हमने 15% टैक्स पे किया था बाइक्स का भी और गाड़ी का, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताया कि आपको कितना होता है, वो अकॉर्डिंग टू योर प्राइस मनी होता है, यानी कि आपकी बाइक की क्या प्राइस है और आपकी गाड़ी की क्या प्राइस है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देते हैं कि भाई ये इसका टैक्स है, ये आप पे करके आए हैं नेशनल बैंक में, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था आप लोगों को, सो वो हम लोग पे कर कराए, देन हमने उसकी स्लिप जो है उनको ला के ऑफिस में सबमिट करवाई, देन वो उन्होंने हमें हमारी गाड़ी हमारी बाइक जो भी आपको होता है वो आपको हैंड ओवर कर दी, सही है गाइज। तो खैर इस तरह से जो है वो हमारी गाड़ी हमारे पास आई, ठीक है, और भाई ये इतना आसान नहीं होता वहाँ से चीज़ें मिलना, लोगों को लगता है मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, मुफ्त में नहीं मिलती हैं, पे करना पड़ता है, ठीक है, लिटिल अमाउंट पे करनी पड़ती है लेकिन पे करना पड़ता है, उसको आप फ्री में काउंट नहीं कर सकते, सही है गाइज। फिर जब मैंने ये वाला जो ब्लॉग बनाया था इसका जो है आप बहुत सारे लोगों ने जो मेरा चैनल देखा मेरा चैनल ग्रो किया इस व्लॉग की वजह से, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी वजह से ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सही, इसी वजह से आज का मैं ये व्लॉग भी बना रही हूँ, जस्ट स्पेशल मोमेंट्स को शेयर करने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए, ठीक है गाइज। तो खैर ये इस वाले दिन का तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था और मैंने सोच रखा था कि आज के दिन आप लोगों से यही स्टोरी शेयर करूँगी, आज कुछ इसी तरह की गपशप होगी आप लोगों के साथ, सही है गाइज, तो आज इसलिए आप लोगों से ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। तो भाई समझ आ गई आप लोगों को पासिस किस तरह से मिलते हैं, पासिस का किस तरह से मिलने का वो तो मुझे क्राइटेरिया नहीं पता, वो आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के पास आ जाए किसी के थ्रू मिल जाए तो मिल जाए, बाकी एक्चुअली कैसे मिलते हैं कोई ख़रीदते या क्या होता है इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गाइज, सही, हमें भी मिला था इसलिए हमें चले गए थे।
सही है, प्राइसेस का मैंने आपको बता दी कि वो सेम डे नहीं मिलता। अच्छा, डील बॉक्स की चीज़ें जो है उनके लिए हमें कोई चीज़ पे नहीं करनी पड़ी थी, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा था, वो उन्होंने हमें बहुत जल्द दे दिया था। वो हमें एक आधे दिन में उन्होंने कहा कि आप आके रिसीविंग कर लें, तो वो जाके हमने रिसीविंग करी थी, उसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ा था। ठीक है भाई, वो आपको फ्री में मिला था। ठीक है, गाड़ी बाइक फ्री में नहीं मिलती है भाई, उसका टैक्स पे करना पड़ता है। सही है गाइज। सो गाइज, ये थी पूरी स्टोरी इसके पीछे कि भाई क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है गाइज, और मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हो और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। तो भाई ये था पूरी बिहाइंड द सीन स्टोरी। ठीक है भाई, इतना आसान नहीं होता चीज़ों का मिलना। बड़ी खौली से हमें भी चीज़ें मिली थी, लोगों को ये तो लग रहा था कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कितनी बहुत बड़ी खौली के साथ लेकर आए थे, उसका आइडिया से कम नहीं है गाइज। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे ही सीन हमारे साथ भी था। सही है भाई, तो बड़ी मुश्किलों से हम वो चीज़ें अपने घर लेकर आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो हमें नसीब की। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और हमेशा शुक्र अदा करें और हमेशा करते रहेंगे। सही है, और बस अल्लाह ताला वो गाड़ी हमें मुबारक करें। अभी तक तो मुबारक ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। गाड़ी बहुत कम कम चलाते हैं क्योंकि बहुत दिल के करीब सी है। सही है गाइस। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि भाई आप गाड़ी नहीं चलाती, आपने गाड़ी चलाना नहीं सीखी। भाई मुझे गाड़ी चलानी आती है और 4-5 साल हो गए मैं गाड़ी नहीं ड्राइव करी, और प्रैक्टिस नहीं है कुछ। एक रीज़न, दूसरी रीज़न ये कि भाई गाड़ी 0 मीटर है ना, तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती है अपनी नई गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, लेकिन खैर इसको दूर करना है और इंशाल्लाह तला गाड़ी चलानी है। अम्मी कहते हैं भाई गाड़ी चलाओ, क्या मतलब है गाड़ी क्यों नहीं चलानी। तो खैर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करूँगी, इंशाल्लाह गाड़ी चलाऊँगी, और जब गाड़ी चलाऊँगी तो फिर आप लोगों को भी शेयर करूँगी। ठीक है गाइज, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि भाई गाड़ी चलानी आती है मुझे। ठीक है भाई, तो है ये थी पूरी स्टोरी जो कि आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर की है। तो ये गाइज, अब बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग आप जान गए होंगे कि भाई पीछे जीतो पाकिस्तान में क्या होता है, चीज़ें कैसे मिलती हैं, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। ठीक है भाई, तो खैर इस वाली वीडियो को फिर यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई होगी, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो गई होगी और सब चीज़ों का पता चल गया होगा। सही है, अब तो किसी का कोई सवाल नहीं रह गया ना, सब पता चल गया ना कि भाई पास कहाँ से मिले थे हमें। ठीक है, और हम लोगों ने कितने पैसे देके क्या किस तरह से हमें चीज़ें मिली, और गाड़ी हमारे पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है गाइस, और चलाते भी हैं और मैं चलाऊंगी भी। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँ। तो फिर इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आज की वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ वो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दोबारा से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।